गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और कोई भी लैंग्वेज क्यों बनाई जाती है, ताकि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, बात कर सकें और समझ सकें एक दूसरे की बातों को। इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल एक चैप्टर है जिसमें ए, एन और द, ये तीन बहुत मूल बिंदु हैं जिसके बारे में हम आज जानेंगे। बचपन से ये चीज़ हमें बताया गया है कि ए, एन और दा का यूज कैसे और कहाँ किया जाता है। मोस्टली टीचर्स यही बताते हैं कि एन जो है कोई भी वर्ड होता है इंग्लिश का जो वॉवल से प्रोनाउंस होता है, उससे पहले हम यूज करते हैं। हम लोगों का मोस्ट फेवरेट जो है ये क्या बोलते हैं, एग्जांपल जो दिया जाता है एप्पल का। यहाँ पर देखिए, जैसे दिस इज़ एप्पल है और दिस इज़ एन एप्पल है, तो जो रूल्स हमें बताया गया उस हिसाब से तो ये वाला रॉन्ग है और दूसरा वाला सही है। आखिर इंग्लिश ग्रामर में इसका जो है ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके मेन वजह क्या था? तो उसका ये वजह है कि जैसा कि अंग्रेज लोग जब बोलते हैं तो वो स्लैंग में बोलते हैं, इस तरह का स्लैंग वो लोग यूज करते हैं। जैसे कि वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि जो वर्ड्स हैं उनके बीच में गैप नहीं होता है। जैसे कि दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल, तो वहाँ पे दिक्कत क्या हुई? जब वो लोग ए यूज करते थे तो वहाँ पर ये नहीं पता चलता था ये एक सेब की बात कर रहा है या ढेर सारे सेब की बात कर रहा है। ए जो है पता ही नहीं चलता था, ए का प्रोनंसिएशन पता ही नहीं चलता था कि ए इसने बोला या नहीं बोला। इसको आप कभी भी बोल के देख सकते हैं, दिस इज एप्पल, पता नहीं चलता है। तो इसलिए यहाँ पर एन जो है आर्टिकल का ज़रूरत पड़ी, एन आर्टिकल की ज़रूरत पड़ी, जिसमें अब अगर हम इस तरह से स्लैंग में बोलते हैं दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल, कितना भी तेज बोलेंगे तो ये पता चल जाता है कि वो एक सेब की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा ये कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाता है और हम दूसरे एक दूसरे की बातों को समझ जाते हैं आसानी से। ऐसे ही आता है एक एग्ज़ाम्पल है MLA का। यहाँ पर है जैसे कि मान लीजिए रॉबर्ट इज अ MLA, जब इसको हम ऐसे बोलेंगे रॉबर्ट इज़ अ MLA, रॉबर्ट इज़ अ MLA, तो यहाँ पर ए नहीं पता चलता है, सेम केस। ठीक उसी तरह से रॉबर्ट इज़ एन MLA जब बोलेंगे तो यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि रॉबर्ट जो है एक MLA है, रॉबर्ट इज़ एन MLA, रॉबर्ट इज़ एन MLA। अब दूसरा है दा, दा की ज़रूरत क्यों पड़े? जैसे आप सब जानते हैं कि जेम्स बॉन्ड एक कैरेक्टर है जो एक जासूस है, वर्ल्ड वाइड वो जाना जाता है, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई उस नाम से इंस्पायर हुआ हो और किसी ने अपने लड़के या किसी का भी नाम उसने जेम्स बॉन्ड रख दिया, जेम्स बॉन्ड रख देगा। और ओकेजनली या मतलब ऐसे ही कोई नॉर्मल तौर पर लोग अगर कोई बात करते हैं किसी लड़के का नाम जेम्स बॉन्ड है और कोई अनजान आदमी सुनेगा तो उनकी बातों से ही वो ये सोचेगा कि ये जेम्स बॉन्ड की बात कर रहे हैं, उस वाले जेम्स बॉन्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन वो वाला जेम्स बॉन्ड नहीं है जो कि जेम्स बॉन्ड इज़ ऑन हिज शॉप, जो कि जेम्स बॉन्ड है जो वो दुकान पे है, लेकिन वो जेम्स बॉन्ड जासूस जो मूवीज़ हैं उसका वो वाला जेम्स बॉन्ड नहीं है। इसलिए जब हम जेम्स बॉन्ड के नाम से पहले दा लगा देते हैं तो हमें ये कंफर्म हो जाता है कि जो है ये हम उस जेम्स बॉन्ड की बात कर रहे हैं जो कि फिल्मों में रहता है, तो इससे हमें ये कंफर्म हो जाता है कि ये दा जेम्स बॉन्ड जो है कैरेक्टर है। लेकिन जब जेम्स बॉन्ड केवल हम बोलते हैं, दा नहीं लगाते हैं, तो हमें ये वहाँ पर कन्फर्म हो जाता है कि ये किसी बच्चे का नाम है या किसी जो है पर्सन का नाम है, लेकिन ये नाम वो कैरेक्टर नहीं है जो कि मूवीज़ में रहता है। ये खास दो रीज़न है इसको यूज़ किया जाता है। आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, बाकी कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बता दूंगा उसको लॉजिक क्या है उसके पीछे, क्यों इसको यूज किया जाता है, क्यों लगाया जाता है, तमाम होता है। आर्टिकल हो गए, प्रेपोजिशन हो गए, बहुत हो गए, इसमें बहुत सारे हैं जो हमें रूल्स बना बना करके बताया जाता है कि इसमें ये रूल्स है, ये रूल्स है ऐसा। एक्चुअली हम इंग्लिश को हमें समझना है।